रघुवीर प्रभु राम की आन प्रवर्तने लगी। फिर प्रभु राम ने सीता अम्बा को बुलाया, तब प्रभु सीता बोली पत्नी, भगवती सीता बोले में आई, यह सपना में कहो पुकारी। मैं पुकार पुकार के पूरे सत्यदास या तो अपनी निष्ठा से कहते हूं, क्योंकि होई सत्य गए दिन चारी। ये लंबी देर होने वाली नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का सपना जल्दी पूरा होता है, ये चार दिन में होने वाला है। तासु वचन सुनी, इसका वचन सुना और सबको भय लगा। जनक सुता के चरणनी पड़ी, सभी राक्षसाणी भगवती सीता के चरणों में गिर गई। भगवती हमें माफ कर। आचार्य तुलसी लिखते, जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारहि निशीचर को। जटा कर बोली मात विपति संते मोरी, तजो देह कर बेगी उपाई, सह तेरा अब नहीं सही जाई, आनी काट रख पिता बनाई, मात अनल पुनि ते ही लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, तुने को सवन सूर समबानी, तुनत बचन कही समझाए, जि प्रभु प्रताप बल सुजत सुनाए, लेकिन अनल मिल सुनत कुमारी, अस कही तो निज भवन सिधारी, कहसी ताक तिभा कलि कूला, मितहिन पावक मितहिन सूला, प्रियत प्रगत गगन अंगारा, अवनिन आवत एक उकारा, पावक मई सति प्रवतन आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका, नूतन किज लय अनल समान, देहि अग्नि जनि करहि निदान, देहि परम बिरहा तुलसीता, सोचन कपिहि कलप समदीता, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, जपत निरंतर शंभु भवन। जब त्रिजटा ने सौजन्य पूर्ण व्यवहार किया, तब भगवती सीता ने कहा, फिर यहाँ सुंदरकांड से उदाहरण ले लीजिए, त्रिजटा ने अच्छा व्यवहार किया, सीता अम्बा राजी हुई, प्रसन्न हुई, और सीता मैया बोली, हे मां, विपत्ति में तू मेरी संगिनी बनकर आई, दो हाथ जोड़कर सीता बोली, त्रिजटासन बोली कर जोड़ी, मां तू विपत्ति संगिनी तय बोली। सीता हाथ जोड़कर कहती है, हे त्रिजटा, तू मेरे विपत्ति की संगिनी है, हे मां, अब मुझे नहीं जीना, तजो देह करु बेगी उपाय, तू मेरी मां समान है, मगर मां मुझे जीना नहीं, मुझे मर जाना है, दुसह विरह अब नहीं सह जाए, मेरे से प्रभु राम का विरह अब सहन नहीं हो, कृपा करके ऐसा कुछ कर दे कि मैं मर जाऊं। सीता बोलती है कि मां ऐसा कर, कुछ काष्ट लेके लाके यहां आ, एक चिता बना दे, मैं उसके ऊपर बैठ जाती हूं, फिर तो उसको जला दे, आ निकाट रचु चिता बनाए, हे मां काष्ट लाकर एक चिता बना दे, मां तू अदर पुनि दे ही लगा दे, और मां तू उसमें आग लगा दे, ताकि मैं
मर जाओ, सत्य करही मम प्रीति सयाम। हे मां, मेरा प्रेम प्रभु रघुवीर के साथ इतना है कि अब ये विरह की बेला एक पसार नहीं होती। और ये सुने को श्रवण शूल से बाली, इस शूल जैसी बाली को कौन सुने, इससे तो अच्छा है मर जाए। अरोज रावण आता है और ऐसा सुनाता, कई बार हम दरबार से लाकड़ी से फटकारते, उनसे ज्यादा हम जिह्वा से मारते। हे मां, मुझे नहीं जीना है, ऐसी वाणी सुनने का है तो मुझे जीने नहीं। इस वाणी को सुनने से अच्छा, शूल जैसी पीड़ा देने वाली वाणी सुनने से अच्छा है कि मां तू काष्ट एकत्रित करके चिता बना के उसके ऊपर मैं बैठ जाऊ तो आग लगा। सुने को श्रवण सुन संवाणी, सुनत वचन पद गही समझाइस, प्रभुक ताप बल सुज सुनाइस, राम चरण प्रति निपुण विवेका। ऐसी महिला है तो भगवती सीता के शब्द सुने, सुनत वचन पद गही समझाइस। सीता राज राजेश्वरी भगवती जगदम्बा, उसको ये त्रिजटा समझा रही है, बेटा दुख का औषध दिन होता है, अपने गुजराती में दुख नो औषध दाड़ा, इस समय बीत जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, तू थोड़ी धीरे रख। और प्रभु के प्रताप के ऊपर आपको विश्वास नहीं है कि प्रभु की कृपा अनंत है, हरि अनंत हरि कृपा अनंत, हरि जैसे अनंत है ऐसे उसकी कृपा भी अनंत है। हम मानवी है, हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसे प्रभु राम का प्रताप बताया कि राम बहुत दयालु है, थोड़ी धीरज रखो, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत्ति में है भगवती, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, आप धैर्य धारण कीजिए। और रही बात लकड़े की, अनल की, अग्नि की, तो अभी कुछ नहीं होगी बात। निशिन अनल मिली शुरू से कुमारी, ऐसा कुछ नहीं करने का है, थोड़ा दम प्रेम से दाता माता के हिसाब से। ऐसा क्यों सोचती हो, ऐसा नहीं सोचने का, प्रभु राम आएंगे और आपको ले जाएंगे। बात को लंबी नहीं की और त्रिजटा निकल गई, क्योंकि लंबी बात का कोई जवाब नहीं था। प्रभु राम का सुयश बताकर असकई सो निज भवन सिधारी, सभी राक्षसाणी को सौंप कर उसका ध्यान रखना, ऐसा बोलकर त्रिजटा अपने घर चले गई। क्योंकि सामने रहेगी तो सीता जी को बात करनी पड़ेगी और सीता जी कुछ ना कुछ बोलेगी, विरह में है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस कर दिया। अब सीता जी अपने आप बोल रही है, कह सीता विधि भाव प्रतिकूल। सीता कहते मेरा विधाता ही प्रतिकूल हो गया, तो उसमें त्रिजटा का क्या कर सकती है। कह सीता विधि भाव प्रतिकूल, मिलहीन पावक मिटहीन सूला, मुझे अग्नि नहीं मिलती है, मैं जल के मर नहीं सकती हूं और मेरी पीड़ा इस सूल है उसका कोई निवारण नहीं है। देखिए तो प्रकट गगन अंगारे अवनिन आवत एक होता, ऊपर देखा तो ये कितने अग्नि युक्त ये तारे हैं, मगर क्यों गिर के मुझे जला नहीं देते। तारे को देखकर तारे को बोलती है कि तारे आप ऊपर से नीचे आओ, मेरे ऊपर गिरो और मुझे जला दो। देखिए तो प्रकट गगन अंगार, गगन जैसे गोले जैसे तारे हैं, तो हे तारे आप नीचे आकर मुझे जला क्यों नहीं देते, ये तारे नीचे क्यों नहीं आते। अवनिन आवत एको तारे, पावक मई शशि त्रवतन आदि, मानव मोहि शाली सतारी। हे चंद्रमा तू निर्मल तेज क्यों बरसा रहा, तू अग्नि बरसा और मुझे मार दे। सुना ही कि नहीं मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। अभी कोई नहीं मिला तो वृक्ष के नीचे बैठी थी, उस वृक्ष को बोल रही है, सुना हूं सुनाई विनय मम बिशप अटोका, अशोका तेरा नाम है अशोका, शोक नहीं उसका नाम है अशोक। हे अशोक वृक्ष तेरा नाम अशोक है और मैं इतनी शोकग्रस्त क्यों हूं, तू अपने नाम के हिसाब से
तेरा नाम सार्थक कर दे, मेरा शोक मिटा दे। सत्य नाम करु हरु मम शोक, हे अशोक वृक्ष तू मेरे शोक को, मेरे शोक का निर्मूलन कर दे। नूतन किसलय अनल समाना, देखी अग्नि जनी करहि निदाना, देखी परम विरहाकुल सीता, सोचन कल्प कपि सम गीता। हनुमान जी महाराज ऊपर से देख रहे, ये रावण आया रावण गया, त्रिजटा और सीता का संवाद, भगवती के आंखों से सावन भादो, माँ की ये विह्वल दशा, एक एक क्षण एक कपि हनुमान जी के लिए कल्प के समान बीते जा रहा। सोचन कपि ही कल्प सम बीता, एक क्षण कल्प के समान जा रही हनुमान जी महाराज, क्या करें क्या करें। आचार्य तुलसी लिखते हैं, कभी करी हृदय विचारी, दिन्ही मुद्रिका डारी, तब जन अशोक अंगार बिन, हर्षि उठी करते हो। तब सी तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित तव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय, प्रीति को सकय अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले रामचंद्र, लागा सुन तही सीता कर दुख भागा, लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई, श्रवणा व्रत जई कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होत किन बानी, तब हनुमंत निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय गयो, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन ही राम तुम कह सहिदानी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा वै संगति जैसे, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, जपत निरंतर शंभु। अब हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं, पहले जब रावण ने तलवार निकाली तब सोचा कि कुछ का लगा दूं, मगर देखा मेरा कोई काम नहीं है, मंदोदरी ने आकर मेरा काम कर दिया। अब कभी करी हृदय विचार, ये बुद्धिमता वरिष्ठ है, विचार किया और ऊपर से अंगूठी डाली गोली में, दिन ही मुद्रिका दारी, तब जन अशोक अंगार दिन, हर्षि उठी कर गयो। जैसे ही अंगूठी गोदी में गिरी, तुरंत भगवती सीता अम्बा हाथ में लेकर खड़ी हुई कि जन अशोक अंगार दिन, जैसे अशोक ने वृक्ष ने मुझे अंगारा दिया, ऐसा समझकर उठ गई। मगर हाथ में जब देखा, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, उस मुद्रिका के ऊपर राम लिखा, पहचान में आ गई है, तो जानी पहचानी अंगूठी, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला, भगवान राम की अंगूठी है ये, मेरे यहां कैसे आई। पहले हर्ष हुआ कि राम की अंगूठी बहुत बढ़िया, मगर बाद में
विषाद हुआ कि यहां राम की अंगूठी नहीं आ सकती। मैं तो रावण की लंका में बैठी हूं, यहां राम की मुद्रिका कैसे आएगी। हर्ष हुआ और विषाद हुआ, हृदय व्याकुल हो गया। जिज को सके अजय रघुलाली, फिर से बाद में घुमा घुमा के देखा, भगवती पहचान गई ये माया भी नहीं। जीती को सके अजय रघुराई, माया दे असिरची नहीं जाई। ये प्रभु राम की मुद्रिका, ये माया भी मुद्रिका नहीं। अब सीता मन में सोचने लगी कि प्रभु राम की मुद्रिका यहां तक मेरी गोद तक कैसे आई, कौन लेके आए। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान।